कोसी लोकसभा में 19 मई को मतदान होने वाला है। इसके लिए कांग्रेस प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान भी जोर आजमा रहे हैं। बालकृष्ण चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के वादे झूठे साबित हुए। साथ इन्होंने आरोप लगाया है कि बसपा और भाजपा मिली हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। 1991 में कल्पनाथ राय के बाद से लोकसभा सीट से किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत नहीं हुई है। बालकृष्ण चौहान बसपा से 1999 में इस सीट से सांसद चुने गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बसपा और भाजपा पर खूब हमला बोला। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एबीएन समाचार को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं आप रूबरू हो देश विदेश की हर छोटी और बड़ी खबरों से।